हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्ते बहन। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ते हैं रुद्र संहिता के अध्याय 16 का पार्ट दूसरा और जानते हैं कि उसके आगे की कहानी में क्या हुआ। तो हे महादेव, जो कोई भी आपका ये महान ग्रंथ देख रहा था, सुन रहा, उसके सिर पर अपनी कृपा दृष्टि अवश्य रखना। उसके आगे बताया गया था कि जब तक उसके शरीर में केवल अस्थि और चर्म मात्र ही अविष्ट नहीं रह गया, इस प्रकार उसने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। तादांतर विशालयाक्षी पार्वती देवी के साथ भगवान विश्वनाथ कुबेर के पास आए। उन्होंने प्रसन्नचित से अलकापति की ओर देखा। वे शिवलिंग में मन को एकाग्र करके ढूंढे काट की भांति स्थिर भाव से बैठे थे। भगवान शिव ने उनसे कहा, अलकापते, मैं वर देने के लिए उघत हूँ, तुम अपना मनोरथ बताओ। यह वाणी सुनकर तपस्या के धनी कुबेर ने जो ही आंखें खोल कर देखा, तो ही उमावल्लभ भगवान श्री कंठ सामने खड़े दिखाई दिए। वे हृदय काल के सहस्त्र सूर्यों से भी अधिक तेजस्वी थे और उनके मस्तक पर चंद्रमा अपनी चांदी बिखेर रहा था। भगवान शंकर के तेजस से उनकी आंखें चौंधिया गई, उनका तेज प्रतिहत हो गया और वे नेत्र बंद करके मनोरथ से भी भरे परे विराजमान देव देवेश्वर शिव से बोले, नाथ, मेरे नेत्रों का वह दृष्टि शक्ति कीजिए जिससे आपके चरणार बिंदों का दर्शन हो सके। स्वामिनी, आपका प्रत्यक्ष दर्शन हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वर है। इस दूसरे किसी वर से मेरा क्या प्रयोजन है? चंद्रशेखर, आपको नमस्कार है। कुबेर की यह बात सुनकर देवादिदेव उमापति ने अपने हथेली से उनका स्पर्श करके उनके देखने की शक्ति प्रदान की। दृष्टि शक्ति मिल जाने पर यज्ञदत्त के उस पुत्र ने आंखें फाड़ फाड़ कर पहले उमा की ओर ही देखना आरंभ किया। वह मन ही मन सोचने लगा, भगवान शंकर के समीप या वारांग सुंदरी कौन है? इसने कौन सा ऐसा तप किया है जो मेरी भी तपस्या से बड़ा बढ़ गया है? यह रूप, यह प्रेम, यह सौभाग्य और यह असीम शोभा सभी अद्भुत है। वह ब्राह्मण कुमार बार बार यही कहने लगा। जब बार बार यही कहता हुआ वह कूर दृष्टि से उसकी ओर देखने लगा, तब वामा के अवलोकन से उसकी बाई आंख फूट गई। तादांतर देवी पार्वती ने महादेव से कहा, प्रभु, या दुष्ट तपस्वी बार बार मेरी ओर देखकर क्या बक रहा है? आप मेरी तपस्या के तेज को प्रकट कीजिए। देवी की यह बात सुनकर भगवान शिव ने हंसते हुए उनसे कहा, उमे, यह तुम्हारा पुत्र है, यह तुम्हें कूर दृष्टि से नहीं देखता है, अपितु तुम्हारी तप संपत्ति का वर्णन कर रहा है। देवी से ऐसा कहकर भगवान शिव पुनः उस ब्राह्मण कुमार से बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर तुम्हें वर देता हूँ। तुम निधियों के स्वामी और गुहाओं के राजा हो जाओ। सुव्रत, यक्षों, किन्नरों और राजाओं के भी राजा होकर पुण्य जनों के पालक और सबके लिए धन के दाता बनो। मेरे साथ तुम्हारी सदा मैत्री बनी रहे और मैं नित्य तुम्हारे निकट निवास करूंगा। मित्र, तुम्हारी प्रति बढ़ाने के लिए मैं अलका के पास ही रहूंगा। आओ, इन उमा देवी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करो, क्योंकि ये तुम्हारी माता है। महाभक्त यज्ञ दत्त कुमार, तुम अत्यंत प्रसन्नचित से इनके चरणों में गिर जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार वर देकर भगवान शिव ने पार्वती देवी से फिर कहा, देवेश्वरी, इस पर कृपा करो। तपस्विनी, यह तुम्हारा पुत्र है। भगवान शंकर का यह कथन सुनकर जगदम्बा पार्वती ने प्रसन्नचित हो यज्ञ दत्त कुमार से कहा, वत्स, भगवान शिव में तुम्हारी सदा निर्मल भक्ति बनी रहे। तुम्हारी बाई आंख तो फूट ही गई, इसीलिए एक ही पिंगल नेत्र से युक्त रहो। महादेव जी ने जो वर दिए हैं वे सब उसी प्रकार में तुम्हें सुलभ हो। बेटा, मेरे रूप के प्रति ईर्ष्या करने के कारण तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध होगे। इस प्रकार कुबेर को वर देकर भगवान महेश्वर पार्वती देवी के साथ अपने विश्वेश्वर धाम में चले गए। इस तरह कुबेर ने भगवान शंकर की मैत्री प्राप्त की और अलकापुरी के पास जो कैलाश पर्वत है वह भगवान शंकर का निवास हो गया। यहीं पर 16वां अध्याय संपूर्ण समाप्त होता है रुद्र संहिता का। अगले वीडियो में हम डालेंगे 17, 18 और 19 एक एक साथ पूरा वीडियो चलेगा। आप लोग अगले वीडियो में सुनना कि किस प्रकार भगवान शिव का कैलाश पर्वत पर गमन तथा सृष्टि खंड का उपसंहार। तो तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव।